सवे भवंतु सुखिन। नवरात्रों पर विशेष भाग पांच। कैसी यह देर लगाई है जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करें। इस संपूर्ण जगत की जननी होने के कारण वह अदृश्य शक्ति ही इस जगत के वासियों की माँ है, और प्रकृति के माध्यम से हमारा पालन करने के कारण वही हमारा पिता भी है। इस भजन में उसी जगत की जननी के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की गई है। कैसी यह देर लगाई है दुर्गे। हे मात मेरी, हे मात मेरी, है जगत की माता तेरे भक्त जन जन्मांतरों से तेरे दर्शन की आस, तेरे दर्शन की प्यास, तेरे दर्शन की अभिलाषा संजोए हुए तेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तेरे दर्शन से वंचित रहने के कारण ही तेरे भक्तों को अनगिनत योनियों से गुजरना पड़ा है। कितनी ही बार जन्म की गंदगी भरी पीड़ादायक कैद में गिरफ्तार होना पड़ा है, और कितनी ही बार मृत्यु रूपी दुख से दुखी होना पड़ा है। तेरी ज्योति ही तो सूर्य चंद्र तारों को प्रकाशित कर रही है। सूरज से निकलती हुई तेरी ज्वाला की लपटे सागर के पानी को भाप बनाकर वर्षा प्रदान करती है। तेरी ज्वाला की लपटों से ही हर पेड़, हर पौधा तथा अन्न उत्पन्न हो रहा है। हे जगत जननी, हे ज्वाला स्वरूप माँ, तेरे उसी ज्योतिमय स्वरूप को देखने के तेरे भक्त आकांक्षी है, व्याकुल है। तेरे शब्द से ही सब गुंजायमान हो रहे हैं, इसीलिए तेरे शब्दों के प्रतीक घंटी, ढोल, नगाढ़े, शंख आदि तेरी स्तुति के लिए बजाए जाते हैं। तेरे उसी अलौकिक संगीतमय स्वरूप की अनुभूति अपने अंतर में करने के लिए तेरे भक्तों के कान तरस रहे हैं। तेरे भक्तों की आंखें और कान दोनों ही ध्यान के अंदर तेरी अनुभूति करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। हे माँ, हमें अपना दिव्य दर्शन दो, जिसको पाकर तेरे भक्त सदा सदा के लिए तेरे साथ जुड़ जाएं और इस जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो सकें। हे माँ, लेकिन आप अपने भक्तों को कितना इंतजार करवा रही हैं। ना जाने कितने जन्म तेरे दर्शन की आस लिए ही तेरे भक्त गंवा चुके हैं। हर जन्म में केवल तेरी मूर्ति का ही दर्शन तेरे भक्तों को हो सका है। तेरे भक्त तेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन से वंचित हैं। हे माँ, तेरे भक्तों को तो तेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन की प्यास है। इतना दीर्घ समय व्यतीत होने के बावजूद, असंख्य जन्म लेने के बावजूद भक्त को दर्शन क्यों नहीं हो सके, इसका रहस्य भी अगली पंक्तियों में दर्शाया गया है। भव सागर में घिरे पड़े हैं, काम आदि ग्रह में घिरे पड़े हैं, मोह आदि जाल में जकड़े पड़े हैं। जन्म के बाद, ज्ञान अर्जित करने के बाद मनुष्य के सामने दो मार्ग होते हैं, एक प्रेय मार्ग, दो श्रेय मार्ग। लगातार छह